नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी, इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं, और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूँगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों, ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था, और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिनिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे, और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी हैं। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों, साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है, और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं। पर कहीं बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि दरअसल इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं।
जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं। और तो फिर जो मूवी के मेकर्स है या फिर सॉन्ग के मेकर्स है वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश सुरेश जी ने दी हुई है। और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिका सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इस मूवी के जो हीरो हैं, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है। और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है। फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी, जो गलतफहमी है उसका हर एक पल ना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पर जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ, उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों, सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में।
तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं। 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी हैं। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिका सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद नहीं जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो हैं सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, क्योंकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी, जो गलतफहमी है उसका हर एक पल ना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पर जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं, पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुनिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा, और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे।
तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी, इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं, और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों, ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था, और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे, और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी हैं। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों, साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है, और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं। पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो हैं, सॉरी, इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं, और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है, और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, क्योंकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है। फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलतफहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी, और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पर जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं।
पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा, और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का, तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों, सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में, तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं, और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है, जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं, और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा, और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था, और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे, और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है, और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिका सुहिना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो हैं, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं, और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है, और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है,
चूँकि हाल है कि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है, तो उसे वो पसंद आती है। फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी, जो गलतफहमी है उसका हर एक पल ना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना, तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी, और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ, उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा, और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का, तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों, सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में, तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है, जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी, इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं, और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा, और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था, और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे, और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है, और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश सुरेश जी ने दी हुई है,
और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इस मूवी के जो हीरो हैं, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़के को पहले देखता है तो उसे पहले नज़र में प्यार हो जाता है। चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलत फहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताइएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप पेटेस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूँगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है।
अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिका सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो हैं, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलतफहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा, पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पर जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं, पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा, और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था, पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा,
और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिनन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कहीं बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है और इस मूवी के जो हीरो है, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहले नज़र में प्यार हो जाता है, चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है। फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलतफहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पर जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा।
और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का, तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिनन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कहीं बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि दरअसल इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो है, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी करके एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहले नज़र में प्यार हो जाता है, चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है। फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है।
और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलतफहमी है उसका हर एक पल ना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। सॉन्ग चलता है वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हाँ लेकिन दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता। क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं। और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुहिना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है।
अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इस मूवी के जो हीरो हैं, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है। फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलत फहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हाँ लेकिन दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएँगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है। तो इस मूवी का रन टाइम भी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूँगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको Spotify, YouTube म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिनन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है
और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिका सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो हैं, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं, और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है, और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलतफहमी है उसका हर एक पल ना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी, और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं, पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा, और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा, और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं।
तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है। तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं, और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं। 2021 में रिलीज़ हुआ था, और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे, और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी हैं। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है, और कुछ मूवीज़ ऐसे आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं। पर कहीं बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता। क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं। और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है। और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इस मूवी के जो हीरो हैं, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं, और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है, और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलतफहमी है उसका हर एक पल ना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी, और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तब यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हाँ लेकिन दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा, और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ,
और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों, मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों, सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी, इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूँगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों, ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिनिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों, साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कहीं बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है और इस मूवी के जो हीरो है, सॉरी, इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी करके एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़के को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलत फहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है।
तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी, और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हाँ लेकिन दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा, और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं, और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था, और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे, और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी हैं। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है, और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिका सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद नहीं जानते होगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो है, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो
तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलतफहमी है उसका हर एक पल ना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं, पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को।
पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो है सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं, और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है, और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहले नज़र में प्यार हो जाता है, चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलत फहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी, और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं, पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा, और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा, और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा,
तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिनिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कहीं बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुविना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है और इस मूवी के जो हीरो है सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी करके एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलत फहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा, पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं, पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा, और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों, सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी, इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों, ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिनिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे, और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी हैं। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों, साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कहीं बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि दरअसल इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुविना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो है, सॉरी, इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहले नज़र में प्यार हो जाता है, क्योंकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी, जो गलत फहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी,
और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हाँ लेकिन दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का, तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे, और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर्स है या फिर सॉन्ग के मेकर्स है वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो है, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं।
अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़के को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलत फहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ, उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों, सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप पेटेस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूँगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिनन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कहीं बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा।
चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं। और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है। और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इस मूवी के जो हीरो हैं, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़के को पहले देखता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलतफहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएँगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पर अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है तो इस मूवी का रन टाइम भी सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूँगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं। 2021 में रिलीज़ हुआ था और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिनन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है और कुछ मूवीज़ ऐसे आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं। और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है और इस मूवी के जो हीरो है सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी करके एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़के को पहले देखता है तो उसे पहले नज़र में प्यार हो जाता है, चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे पसंद आती है। फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलत फहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हाँ लेकिन दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं, पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं
जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी, इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं, और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूँगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों, ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था, और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिनन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे, और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी है। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों, साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है, और कुछ मूवीज़ ऐसे आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं। पर कहीं बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं। और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद नहीं जानते होगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो है, सॉरी, इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं, और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है, और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी करके एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी। वैसे दोस्तों, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहले नज़र में प्यार हो जाता है, चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे वो पसंद आती है। फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी कि जो गलत फहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी, और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पर जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है।
हाँ लेकिन दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा, और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर हिट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो में हम एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके व्हाट्सएप स्टेटस आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो हम यहाँ पर इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या ये मूवी है या फिर ये सॉन्ग है, और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है ठट्टू कोलेडे, जिसे 2021 में रिलीज़ किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई मूवी नहीं है बल्कि एक ब्रेकअप सॉन्ग है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और वहीं से कुछ लोगों ने कुछ क्लिप उठाकर इसके व्हाट्सएप स्टेटस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो पता चल गई है कि यह कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सॉन्ग है, तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मूवी कह सकते हैं। तो शॉर्ट मूवी का भी रन टाइम लगभग 8-10 मिनट का होता है, तो इस मूवी का रन टाइम भी, सॉरी इस सॉन्ग का भी रन टाइम इतना ही है। अगर इसके ऊपर कोई हिंदी जो है वो कोई सॉन्ग फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग कह सकते हैं, और आप इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। और मैं जो है उसका लिंक भी जो है वो डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप डायरेक्ट जाकर भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लोग उन्हें मूवी समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो वैसे दोस्तों ये जो सॉन्ग्स है वो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन और विंक म्यूजिक पर मिल जाएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी कमाल के हैं, 2021 में रिलीज़ हुआ था, और इसके जो आर्टिस्ट है वो विजय बुलगिन और सिंधुजा श्रीवानन है। अगर आप लोग जो है मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होगे, और ये काफ़ी अच्छे सिंगर भी हैं। आगे बात करें तो वैसे दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है, और कुछ मूवीज़ ऐसी आती है जिसके सॉन्ग भी हिंदी में डब किए जाते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर इसके सॉन्ग डब ना होते, अगर यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जिसका जो ओरिजिनल सॉन्ग रहता है वो काफ़ी पसंद आता है ऑडियंस को, पर उसका जब डब वर्जन आता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन सॉन्ग है, और अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में, इस सॉन्ग का रिव्यू करते हैं, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये दरअसल इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो लगभग जो दोस्तों मूवीज़ होती है या फिर जो सॉन्ग बनते हैं उसके अंदर हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है या फिर लव स्टोरी देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को ये पसंद आती है क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, और तो फिर जो मूवी के मेकर से या फिर सॉन्ग के मेकर से वो भी हमें वही दिखाएंगे। अगर बात करें आगे तो इस मूवी की, इस सॉन्ग के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लिरिक्स थे वो सुरेश जी ने दी हुई है, और इस मूवी के अंदर जो कास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीपिता सुवीना और राहुल वर्मा है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद इन्हें जानते होगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे इस सॉन्ग के बारे में, तो सॉन्ग काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और इस मूवी के जो हीरो हैं, सॉरी इस मूवी के जो यहाँ पर जो सॉन्ग के अंदर हीरोइन दिखाई गई है उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया है। तो दीप्ति जो सुनैना है वो काफ़ी बड़े सिंगर हैं, और साउथ के अंदर इन्होंने जो है वो एक नाम कमाया हुआ है, और इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो वो एक एक्ट्रेस भी है, और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम भी किया हुआ है। अगर हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने किकी पार्टी कर एक मूवी बनाई थी जो काफ़ी बढ़िया रही थी और लोगों को पसंद भी आई थी।
वैसे दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है और मेरे हिसाब से इस सॉन्ग को हिंदी में डब किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को शायद ये सॉन्ग अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का जो होता है वो एक लड़की को पहले देखता है तो उसे पहले नज़र में प्यार हो जाता है। चूँकि हालांकि वो लड़की जो लड़का जो होता है उसके घर से रोज़ाना गुजरती रहती है तो उसे पसंद आती है, फिर जाहिर सी बात है कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा जैसा मूवीज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों को प्यार हो ही जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी, जो गलत फहमी है उसका हर एक पलना इतना जहरीला होता है कि वो प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान का आप पर से विश्वास उठ जाए ना तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस सॉन्ग के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दीप्ति जो है वो जिस लड़के से प्यार करती थी उससे वो सच्चा प्यार करती थी और उसने वादा किया था कि वो ज़िंदगी में कोई ख़राब काम नहीं करेगा और ना ही कोई शराब पिएगा, ऐसा मतलब वो काम नहीं करेगा। पर एक दिन वो अपने दोस्त के कहने पे जो है वो शराब पीता है, तभी यहाँ पर दीप्ति आती है, उसे देख लेती है, फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सॉन्ग चलता है, वो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों कुछ टाइम में होता ये है कि जो गलतफहमियाँ होती है वो ठीक भी हो सकती है, पर इसके लिए जो लड़की है वो समझदार होनी चाहिए या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि दरअसल मैंने जो देखा था कुछ और था और रियलिटी में कुछ और था, तो वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं। पर हाँ, उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगते हैं, वो आपको इस सॉन्ग के अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन सॉन्ग है, इसे आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। जो दीप्ति सुनैना का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा और अभी जाकर आप सुन सकते हैं। आपको कैसा लगता है, कैसी स्टोरी लगती है वो आप मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप ये भी बताएगा कि अगर इसके ऊपर कोई हिंदी सॉन्ग फिट किया जाए बॉलीवुड का तो कौन सा सॉन्ग इसके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो साउथ की नई मूवीज़ आते हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, उनके मैं रिव्यू करता हूँ और उनके बारे में आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सॉन्ग ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर इस नाम से कोई मूवी बनती है फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। हाँ दोस्तों, सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो अगर ये दोनों जो हीरो है और हीरोइन है वो अगर मूवी बनाएंगे फ्यूचर में तो ज़रूर हिट हो जाएंगी।